नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्ट्रेटजी क्लब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन उन छात्रों के लिए है जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, जिनका सेशन 2018 से 20 है, वो सेकेंड ईयर में होंगे। तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की तिथि जारी कर दी गई है। थ्योरी पेपर के एग्जाम कब से लिए जाएंगे उसका भी तिथि जारी कर दी गई है। प्रैक्टिकल एग्जाम कब से लिए जाएंगे उनका भी तिथि जारी कर दी गई है। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को आपके एग्जाम्स को लेकर के, फॉर्म भरने की तिथि को लेकर के, कौन कौन से छात्र जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूँ। तो नमस्कार, मैं सरुण कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, चलिए ले चलते हैं आप लोगों को उस नोटिस पे जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए हैं आप लोगों के लिए। उसे पढ़ करके सुनाऊंगा, बारीकी से बताऊंगा कि कैसे क्या कौन से छात्र फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लोग देख सकते हैं। ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से 10/9/2020 को जारी की गई है। ये नोटिस उन छात्रों के लिए है जिनका सेशन 2018 से 20 है, वो अभी सेकेंड ईयर में होंगे। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से उनके एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक बिना फाइन के फिलअप किए जाएंगे, फाइन के साथ कब से कब तक फिलअप किए जाएंगे, साथ में ये भी बताया गया है कि उनके थ्योरी पेपर के एग्ज़ाम की संभावित तिथि क्या है, प्रैक्टिकल पेपर के एग्ज़ाम की संभावित तिथि क्या है। और एक और नोटिफिकेशन बताया गया है, वैसे छात्र जो फर्स्ट ईयर में एक या दो या तीन पेपर में फेल हो गए हैं तो उनके लिए क्या कहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन से छात्र जो पार्ट वन में फेल हो चुके हैं तो पार्ट टू में वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बताया गया नोटिफिकेशन में, मैं डिटेल में पढ़कर सुनाता हूँ। इट इज़ नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द एग्जामिनेशन फी एंड फॉर्म फॉर बीएड पार्ट टू सेशन 2018-2020 एग्जामिनेशन 2020 विल बी एक्सेप्टेड एट द यूनिवर्सिटी कैश काउंटर एज पर प्रोग्राम नोटेड बिलो। तो यहाँ पे नीचे में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी कैश काउंटर पे ही आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो देखिए, आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप को लेकर के पॉइंट नंबर एक में बताया गया है, विदाउट लेट फाइन, बिना लेट फाइन के अप टू 17/9/2020 तक आप यूनिवर्सिटी कैश काउंटर पे फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर दो में बताया गया है, विथ यूजुअल लेट फाइन, तो अतिरिक्त फाइन के साथ आप 22/9/2020 तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे प्रोपोज्ड डेट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, जो थ्योरी पेपर के एग्ज़ाम की संभावित तिथि बताई गई है वो 12/10/2020 बताई गई है। इतने तारीख से आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे, ये संभावित तिथि है। इसके बाद पॉइंट नंबर चार में है, प्रोपोज्ड डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो संभावित तिथि है वो 20/10/2020 बताई गई है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को कितने फ़ी लिए जाएंगे, ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अपने कॉलेज से ही पता करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि वे छात्र जो पार्ट वन में, जो बीएड फर्स्ट ईयर में एक, दो या तीन पेपर में फेल हो गए हैं तो उनके लिए क्या कहा गया है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो बताया गया है कि वैसे छात्र जो पार्ट वन में फेल हो चुके हैं तो उन छात्रों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा जो दो पेपर में फेल हुए होंगे, ठीक है। उनको पार्ट टू में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, और दो से अतिरिक्त पेपर में अगर वो फेल होते हैं, ठीक है, दो से अधिक पेपर में अगर वो फेल होते हैं तो उनको पार्ट टू में फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो छात्र एक या दो पेपर में फेल हो गए होंगे तो उन्हें प्रमोटेड कर दिया होगा, ठीक है, तो वो पार्ट टू का फॉर्म भर सकते हैं, और बाद में जब पार्ट वन का एग्ज़ाम होंगे तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और पास कर सकते हैं। और जो छात्र तीन या चार पेपर, तीन से अधिक पेपर में फेल हो गए होंगे
तो उनको जो है फिर से पार्ट वन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अर्थात वो फर्स्ट ईयर में ही रहे होंगे। सेकेंड ईयर में वो जब तक वो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं तब तक वो सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सभी जानकारी मिल गया कि आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक, फाइन के साथ बिना फाइन के साथ कब आपका थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम होने की संभावित तिथि बताई गई है, कब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने की संभावित तिथि बताई गई है, सभी मैंने डिटेल में बता दिया हूँ।